दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपको पता है कि श्रीमद् रामायण में इस समय जो है भगवान राम द्वारा असुर को छोड़ा जा रहा है और इस बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि माता लक्ष्मी का विसर्जन का समय चल रहा है, तो इस टाइम हम उनको जाकर रोक नहीं सकते वरना हम खुद पिटा जाएंगे। बेसिकली आपको पता है कि इस समय भगवान राम द्वारा असुर को छोड़ा जा रहा है, लेकिन इसमें एक बाधा आ गया है और वो बाधा है आंधी तूफान का। और आंधी इसके बाद लक्ष्मण जी असुर को छोड़ने नहीं दे रहे, लेकिन भगवान राम बहुत ही समझा बुझा कर असुर को छोड़ देते हैं। लेकिन मुख रावण कहाँ चुप बैठने वाला है और इस यज्ञ को कहाँ पूरा होने देना चाह रहा है, तो एक नया षड्यंत्र वो रच रहा है और जो है और आसपास के किसी आश्रम में वो इस तरह का बीमारी फैलाने वाला है जिस तरह के काफ़ी नुकसान होने वाला है। और लव कुश इस बीमारी को टालने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये बीमारी जो होगा वो दूर नहीं जाएगा तो मुझे लग रहा है। तो अब देखते हैं आखिर आगे होने क्या वाला है। बेसिकली अब मुख रावण हारता है या फिर जीतता है वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। आपका इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। देख वीडियो इसके लिए चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा एक पहला ब्लॉग कल के दिन रिलीज किया गया, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ब्लॉग का लिंक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।